नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, लॉकडाउन है पर आराम से कुछ पकौड़ी खा रहे होंगे, कुछ कचौरी खा रहे होंगे, परंतु क्या होगा तक पहुंचना है। यहाँ बहाना मिल गया कि नहीं है, और कुछ को कुछ का बहाना होता है कि कैसे पढ़े, हमारा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है कि जो हम पढ़ते हैं हमें याद नहीं होता है। बहुत कोशिश करते हैं पढ़ने की, फिर भी ध्यान नहीं लगता है। जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है, या फिर बार बार मोबाइल को हाथ में लेने का मन करता है। कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक, तो कभी यूट्यूब के माध्यम से कॉमेडी मूवी देखने का मन करता है। ये लॉकडाउन है आपके ऊपर, किसी को रोका नहीं कि आप पढ़े नहीं। आपको लक्ष्य से दूर करने के लिए ये लॉकडाउन नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, किसी दोस्त को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि यार मैं तो नहीं पढ़ रहा, तो फिर भी वो भी हंसते हुए कहता है कि यार मैं भी नहीं पढ़ रहा। फिर एक और नया बहाना मिल जाता है कि नहीं, हमारा वो यार भी नहीं पढ़ रहा है तो हम अभी क्यों पढ़े। अरे लॉकडाउन खुलने दो, बाद में पढ़ लेंगे, वापस वही उसी टाइम पढ़ लेंगे। पता है ना दोस्तों कि आपके बीच का जो वक्त है ये 1 से 2 महीने, इसके बीच में अगर आप नहीं पढ़ते हो तो सीधे 6 महीने पीछे चले जाते हो। जिस प्रकार भारत की इकोनॉमी इतनी पीछे चली गई, वैसे ही पढ़ाई में ऐसा सिस्टम है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो पीछे चले जाओ, और आपका ये बहाना आपको और पीछे धकेल देता है। अरे जब पढ़ाई में मन ना लगे तो अपने सामने वो तस्वीर लाओ जिसको आपको भुलाने का प्रयास किया, वो तस्वीर लाओ जब आपके लक्ष्य को लेकर किसी ने आपका मजाक उड़ाया, अपने दिमाग में वो तस्वीर लाओ कि नहीं मैं उसे करके दिखाऊंगा, मैं एक इतिहास रचाऊंगा। जब आपका पढ़ने का मन नहीं करे तो वो बातें सामने लाओ जब आपको जिंदगी में उस पल के दौरान बहुत दुख अनुभव हुआ और एक दिल में ऐसी जिज्ञासा बनी हो, नहीं मैं ये कर सकता हूं। क्योंकि दोस्तों एग्जाम का बहाना वही लोग ढूंढते हैं जो मुश्किलों से डरते हैं। क्योंकि दोस्तों असफल होने के बाद रोने से अच्छा है कि हम अभी से मेहनत करें। हमें उन लक्ष्यों को याद करना है जिसके लिए आज हम बने हैं, या आज हम जिस स्थिति पर है उससे कहीं बेहतर कर सके। उन लोगों को भी बताना है कि हाँ मैं भी बिल गेट्स की तरह, अब्दुल कलाम की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह अपना एक नया इतिहास रचा सकता हूं। इसलिए किसी की बातों में आने से अच्छा है कि आप अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हुए मेहनत करें, क्योंकि असफलता के बाद रोने से कहीं बेहतर है कि सफल होने के बाद खुशियां मनाओ। कि कहते हैं ना कि अपने लक्ष्य के प्रति इतना खो जाओ, अपने लक्ष्य के प्रति इतना खो जाओ, अरे मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट भी तुम्हारा दीवाना हो जाएगा और तुम उसके दीवाने हो जाओ। जो कठिनाइयों से लड़कर अपना मुकाम पाता है, जो कठिनाइयों से लड़कर अपना मुकाम पाता है, याद रखना दोस्तों जिंदगी में वही अपना इतिहास रचाता है। ये कुछ पंक्तियां अगर आपको अच्छी लगी हो तभी शेयर करें, तभी लाइक करें। मैं नहीं कहूंगा कि आप मेरी पोस्ट को या मेरे इन शब्दों को लाइक करें, क्योंकि आदमी अपना इतिहास खुद रचाता है।